आज के समय में जो चीज सबसे ज्यादा बोलती है वो है पैसा। ऐसे में अगर हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बात करें तो वो और कोई नहीं बल्कि अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस है, जो हर सेकंड में $2,490 कमाते हैं। जिसका ये मतलब है कि एवरेज सैलरी वाला इंसान एक महीने में जितना नहीं कमाता है इससे ज्यादा जेफ बेजोस एक सेकंड में कमा कर रख लेते हैं। और ऐसे में आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आया होगा कि इतने पैसे कमा कर आखिर ये रखते का है। तो आज की वीडियो में आप ये सब जान जाओगे। अगर हम टेक्नोलॉजी के सीईओ की टॉप की बात करें तो इनकी एनुअल इनकम $100 बिलियन से भी ज्यादा होती है। दोस्तों अगर हम फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो ये अकेले $91.9 बिलियन के मालिक हैं, जहां इन्हें 2 साल का एवरेज कमाने में सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगता है और ये हर रोज $5 बिलियन कमाते हैं। वही अगर हम 100 बिलियन के मालिक बिल गेट्स की बात करें तो ये भी कुछ कम शानदार नहीं है। और इलॉन मस्क अपनी कम उम्र में अपने बिजनेस को इतनी जल्दी बढ़ाते हुए $70 बिलियन के मालिक बन चुके हैं। तो आखिर इतना सारा पैसे कमा कर ये रखते कहाँ हैं? तो दोस्तों ये लोग अपना पैसा रखने में बिलीव नहीं करते। इनकी लाइफ में असर भी की फार्मूला होता है वो है इन्वेस्टमेंट। अगर एक एवरेज वर्कर जो कि हर साल $50,000 कमाता है तो उसे हफ्ते में 48 घंटे काम करना पड़ेगा, वो भी 2 मिलियन साल तक, तब जाके इसके पास इतना पैसा आएगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जितनी भी संपत्ति इन लोगों के पास है तो वह बैंक में रखकर तो नहीं हुआ होगा ना, क्योंकि बैंक में आप चाहो अरबों रुपए क्यों ना जमा कर ले, पर अगर किसी क्राइसिस से आपका पैसा डूब जाता है तो बैंक आपको सिर्फ $2,50,000 ही देंगी। और ये चीज अधिकतर बैंक में देखने को मिलती है। ऐसे में कोई भी बिलियनियर इतना बेवकूफ नहीं होगा कि इतने सारे पैसों का रिस्क ले ले। इसी वजह से दुनिया भर के जितने भी बिलियनियर्स हैं वो अपने पैसे को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही रूल का इस्तेमाल करते हैं और वो है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब यह है कि पैसे को एक जगह रखने की वजह अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों दुनिया के टॉप बिलियनियर्स कहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से कितना प्रॉफिट होता है उसका साक्षात उदाहरण वॉरेन बफेट है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर करके बिलियनर बनने का सफर तय किया है, क्योंकि एक समय में ये सिर्फ $50,000 पर ईयर कमाते थे। लेकिन उन्होंने अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किया और वहाँ ये हाई पोटेंशियल वाले कंपनी के स्टॉक खरीद कर उन्हें प्रॉफिट में बेचते थे। अब आप कोका कोला को देख लीजिए, जहाँ पर वॉरेन बफेट ने $1.3 बिलियन में कोका कोला के स्टॉक 1988 में खरीदे थे और अब इन्हीं स्टॉक की कीमत $18 बिलियन है। बस यहाँ पर बात इतनी है कि जितने भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर होते हैं वो अपने पैसे को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि जब 10-12 साल बाद वो पैसा इनके पास वापस आए तो कुछ परसेंट बढ़कर आने के बजाय मल्टीपल होकर आए। दोस्तों जो भी बिलियनर दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं वो खुद की कंपनी खोल लेते हैं। जैसे वॉरेन बफेट ने ब्रॉकशायर हाथवे खोला तो वही इलॉन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स खोला और जेफ बेजोस के अमेज़न के बारे में हम सभी जानते हैं। और जो लोग अपनी कंपनी नहीं खोलते हैं वो लोग दूसरे की कंपनी खरीदने का काम भी करते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मार्क जुकरबर्ग है। इन्होंने इस समय सबसे ज्यादा चलने वाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीद रखा है, जहाँ ये दोनों ही फेसबुक के अंतर्गत आती है। और कंपनी में इन्वेस्टमेंट के अलावा जितने भी बिलियनर्स होते हैं वो ट्रस्ट फंड में अपने पैसे देते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये सुना हो तो पैसे को पूरी तरह से सिक्योर करने का ये रास्ता कई सारे बिलियनर्स अपनाते हैं, जहाँ पर वो अपना पैसा चैरिटी में लगाकर फंड जनरेट करते हैं और चैरिटी करने के साथ साथ पैसे भी कमाते हैं। ऐसे में आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह बिलियनर्स अपने पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। अब दोस्तों एक बात तो है कि आप चाहे पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएं या फिर कहीं और जगह, आपको थोड़ा बहुत तो रिस्क देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट का जरिया और भी है जिसमें आपको सबसे कम रिस्क देखने को मिलता है और वो है रियल एस्टेट। कई सारे बिलियनर्स अपना पैसा प्रॉपर्टी में लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर रिस्क के चांसेस बहुत ही कम है और प्रॉफिट अच्छा खासा स्टेबल रहता है। आप लोगों ने ये चीज़ तो कई बार देखी होंगी कि जो प्रॉपर्टी पहले 10 लाख की थी वो 2 साल बाद 15 लाख की हो जाती है, यानी 50% का प्रॉफिट सिर्फ 2 साल में इंसान कमा लेता है। और ये तो हमने बहुत छोटी सी बात कर ली है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा लोग प्रॉफिट प्रॉपर्टी के मामले में कमाते हैं। और इसी वजह से सभी अमीर लोग अपनी इनकम का अधिकतर पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों अब तो आपको पता चल गया होगा कि अमीर लोग किस फार्मूले के साथ चलते हैं, जहां अपने पैसे को बैंक में रखने की बजाय इन्वेस्टमेंट करते हैं और लाइफ में छोटा मोटा रिस्क लेके कुछ बड़ा करने की सोचते हैं। दोस्तों इसके बारे में आपका जो भी ओपिनियन ख्याल है हमें कमेंट करके बता दो और इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। हैव अ नाइस डे।